बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि व्हाट इज मिक्सचर। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मिक्सचर जो है एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा अशिया पर मुश्तमिल होता है, जो कि कीमियाई तौर पर एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो, एक दूसरे के साथ उनको जो है मिक्स ना किया गया हो, एक दूसरे के साथ उनको आमेजिश ना की गई हो, उनको मिलाया ना गया हो। तो इस मटेरियल को, सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के हवाले से हमारे नोटबुक में दो पॉइंट जरूर मेंशन होने चाहिए। पहला, इन अ मिक्सचर एवरी सब्सटेंस रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। मिक्सचर में हर सब्सटेंस जो होती है, हर शय जो है वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखती है। दूसरा पॉइंट मिक्सचर के बारे में डियर स्टूडेंट ये है कि दी सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मेथड। मिक्सचर में मौजूद या शामिल जो सब्सटेंसेस हैं, जो अशिया हैं, उनको हम तबई तरीक़ों से फिजिकल मेथड से जुदा कर सकते हैं। ये थी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ और मिक्सचर की डेफिनेशन। तो उसके बाद अगर हम अपनी बुक के पेज 80 पर देखें तो यहाँ पर हमें तीन पिक्चर दिखाई गई हैं जो मिक्सचर के बारे में हैं। इसके अलावा और भी हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको बहुत सी ऐसी अशिया मिल जाएंगी जो मिक्सचर की एग्ज़ाम्पल होती हैं, मिसाल के तौर पर हम उसको दे सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड की डेफिनेशन को हम जानते हैं। और कंपाउंड की डेफिनेशन को अगर हम मिक्सचर की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा, अब आसानी उसको याद कर सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ हमने मिक्सचर की पढ़ी हैं, वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपाउंड की हैं, उसमें भी हमें एक हल्का सा डिफरेंस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। इस तरह फिर नीचे एक टेबल बनी हुई है जिसमें हम मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी उनके दरमियान फ़र्क बयान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड की डेफिनेशन को मैंने मिक्सचर की डेफिनेशन जैसा ही लिखा है, उसमें थोड़ा सा माइनर फ़र्क है। वो फ़र्क आपने जो है ना ज़हन-नशीन कर लेना है, ताकि हम जो है उसको आसान तरीके के साथ जो है ना डिफरेंशिएट भी कर सकें आगे चलकर। कंपाउंड, अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एक कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस पे मुश्तमिल होता है, जिनको कीमियाई तौर पे यकजा किया गया हो, कीमियाई तौर पे इकट्ठा किया गया हो, मिलाया गया हो। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को हम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखें तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि मिक्सचर में हर सब्सटेंस जो होती है अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखती है, बरकरार रखती है, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में मौजूद हर जुज़, हर सब्सटेंस, हर शय अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो बरकरार नहीं रखती, बल्कि उसकी मौजूदगी, उसका जो एहसास है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कंपाउंड में हम ये राइट डाउन कर सकते हैं कि कंपाउंड में जो सब्सटेंसेस शामिल हैं, जो केमिकली कंबाइन की गई हैं, उनको फिज़िकल मेथड से सेपरेट करना मुश्किल होता है, बल्कि आप कह लें कि नामुमकिन होता है। उनको केमिकल मेथड से तो सेपरेट किया जा सकता है, फिज़िकल मेथड से उनको सेपरेट करना वो मुमकिन नहीं होता। तो उसके बाद हम देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक के पेज 80 पर मौजूद मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान जो फ़र्क करने के पॉइंट्स हैं, डिफरेंशिएशन कैसे किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल डियर स्टूडेंट। इन टेबल को अगर आप देखें तो हमारे पास 5 पॉइंट्स बनते हैं। 5 पॉइंट्स मिक्सचर के हैं, 5 पॉइंट्स कंपाउंड के हैं। तो अगर हम इनको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन कर लें तो एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इस हवाले से तैयार हो जाएगा। तो आइए जनाब, जो है ना इन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं।
और जहर नशीन करने की भी कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं पेज 80 पर मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में कंपैरिजन हमने करना है कि मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। मिक्सचर का जो पहला पॉइंट है उसके सामने कंपाउंड का भी पहला पॉइंट है। इस तरह हम नंबरिंग कर लेंगे, टोटल हमारे पास ये 5 पॉइंट्स बनते हैं। तो इसको हम कंपेयर करते हुए इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो फ़र्क है, वो बआसानी हम इसको मालूम कर सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी कर सकते हैं। मिक्सचर में देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कम्बाइंड। मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जो केमिकली यानी कीमियाई तौर पर एक दूसरे के साथ मिक्स ना की गई हों, एक दूसरे से उनकी आमेजिश ना की गई हो। जबकि कंपाउंड को हम देखते हैं, द एलिमेंट्स आर केमिकली कम्बाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं या जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको कीमियाई तौर पर बाहम मिलाया जाता है एक कंपाउंड यानी मुरक्कब बनाने के लिए। पॉइंट टू को हम देखते हैं तो पॉइंट टू में हमें नज़र ये आता है मिक्सचर के कॉलम में, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर के जो अज्जा होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ यानी कि अपनी हकीकी खसूसियात को बरकरार रखते हैं, जबकि कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्राम इट्स एलिमेंट, यानी कंपाउंड जिन अज्जा से मिलकर बना है उसकी खसूसियात जो होती हैं उन अज्जा से यकसर मुख्तलिफ होती हैं। पॉइंट नंबर थ्री, मिक्सचर में द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड ईजली। मिक्सचर के जो अज्जा होते हैं उनको बआसानी हम जुदा जुदा कर सकते हैं, यानी कि फिज़िकल मेथड से बआसानी उनको अलग किया जा सकता है। जबकि कंपाउंड के मामले में डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के जो अज्जा हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट हैं या उसके सब्सटेंसेस हैं, जो भी हम उसको नाम दें, उनको मुश्किल होता है सेपरेट करना, उनको जुदा करना। नंबर फोर पॉइंट, इन मिक्सचर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मिक्सचर जो बनता है जिन चीज़ों से मिलकर उनके बाहम मिलने से मिक्सचर तो बन गया, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, क्योंकि मिक्सचर में कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिटेन रहती हैं, बरकरार रहती हैं, जबकि न्यू सब्सटेंसेस आर ऑलवेज फॉर्म। कंपाउंड में जब हम देखते हैं तो नई अशिया बनती हैं कंपोनेंट के मिलने से, ये दोनों में फ़र्क है। अगर हम पॉइंट नंबर फोर को एग्जामिन करें, बगौर ऑब्ज़र्व करें, लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट दोनों के दरमियान वो कुछ इस तरह है, नो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर में कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि कंपाउंड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। तो अजीज तलबा, ये थे मिक्सचर और कंपाउंड के माबैन डिफरेंसेस, फ़र्क। इसकी बुनियाद पर हम इनमें क्या कर सकते हैं, तमीज़ कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इम्तियाज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी देखेंगे और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए कुछ सवाल हैं उनके जवाबात भी जो है ना हम तहरीर करने की कोशिश करेंगे। ये स्टूडेंट, हमारे सामने ये एक्टिविटी मौजूद है। इस एक्टिविटी में हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है
और उसके बाद फिर हमने प्रिडिक्शन करनी है, पेशगोई करनी है कि इस एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास आउटकम आई है वो क्या होंगी। पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है हैंड्स ऑन एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद जो हमसे सवाल पूछे गए हैं उस सवाल के जवाब तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ दी सल्फर एंड आयरन फिलिंग स्लैश नेल आर मिक्स टुगेदर, अगर सल्फर जिसको उर्दू में हम कहते हैं गंधक और आयरन फिलिंग या नेल्स यानी छोटी छोटी कीलें, छोटी छोटी मेखें या लोहे के ज़रात जो हैं उनको आपस में मिक्स किया जाए तो क्या होगा। यकीनी तौर पे अगर इन दोनों कंपोनेंट को, दो सब्सटेंसेस को हम आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्सचर ही बनेगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट जो होंगे बाहमी तौर पे मिलने के बाद अपनी खसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ को वो रिटेन रखेंगे, बरकरार रखेंगे, कंपाउंड नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि इसमें दोनों कंपोनेंट को हम कोई ख़ास प्रोपोर्शन में नहीं ले रहे, इसलिए ये मिक्सचर ही बनेगा। एक बात तो आप जहन नशीन कर लीजिए। उसके बाद फिर हमने अपने सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करनी है कि जब हम एक चम्मच आयरन फिलिंग की और एक चम्मच जो है वो सल्फ़र की आपस में मिला के एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, मिक्सचर तैयार करने के बाद डियर स्टूडेंट अब करना क्या है कि एक मकनातीस लेंगे, मैग्नेट बार मैग्नेट ले सकते हैं जो बार शेप में होता है हमारी लैब में अवेलेबल होता है, अगर वो नहीं है तो कोई भी एक हम किसी भी शक्ल का मैग्नेट लेंगे और उस मैग्नेट को हम इस मिक्सचर के करीब लेके जाएंगे जो हमने तैयार किया है आयरन फिलिंग और सल्फर को बाहम मिलाने से। जब हम बार मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेट को इस मिक्सचर के करीब लेके जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। क्वेश्चन नंबर वन, विच सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। मिक्सचर में दो चीज़ें शामिल हैं, नंबर वन आयरन फिलिंग, नंबर टू सल्फर। जब आप मैग्नेट को इससे करीब लेके जाते हैं तो कौन सी चीज़ जो है वो मैग्नेट की तरफ खींची चली जाती है, अट्रैक्ट होती है या मकनातीस के पास आ जाती है, मकनातीस से चिपक जाती है, सल्फर या आयरन फिलिंग। जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, इसमें आयरन फिलिंग जो होंगी वो मकनातीस के साथ मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगी और उससे से चिपक जाएंगी या उसके करीब आने की कोशिश करेंगी। तो हमने ये जो गिवन ब्लैंक है यहाँ पे लिखना है आयरन फिलिंग, सिर्फ यही लफ्ज़ लिख देंगे काफ़ी है। यहाँ आयरन फिलिंग लिखेंगे। अब पॉइंट टू पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, इज इट अ मिक्सचर आर अ कंपाउंड। क्या ये मिक्सचर है या कंपाउंड है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक मिक्सचर है क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं या मेंटेन रखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे मिक्सचर, इट इज़ द मिक्सचर। नंबर थ्री, हीट द मिक्सचर एंड ब्रिंग द मैग्नेट नियर इट अगेन, व्हाट हैपन। मिक्सचर जो हमने तैयार किया है इसको गर्म करेंगे लैब में किसी कंटेनर में डाल के, ग्लास का बना हुआ, शीशे का। अमूमन इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो चाइना डिश या प्लेट डिश यूज़ की जाती है, वायर गाज पर इसको रखा जाता है, वायर गाज को ट्राईपॉड स्टैंड पर रखा जाता है, ट्राईपॉड स्टैंड के नीचे जो होता है हम फ्लेम ऑन करते हैं और इसको हम बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से एक फ्लेम के साथ जो है ना हीट देंगे फॉर अ फ्यू मिनट। उसके बाद देखेंगे
आपके मैग्नेट को जब इससे करीब लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है, क्या आयरन फिलिंग फिर भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं या नहीं होती? तो स्टूडेंट जब हम ये थर्ड स्टेप परफॉर्म करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि मिक्सचर को हीट अप करने के बाद इसमें से जो कंपोनेंट है वो आयरन फिलिंग है। आयरन फिलिंग का मैग्नेट के साथ एक यूँ कहने की रिलेशनशिप है, अट्रैक्शन बरकरार रहेगी। आयरन फिलिंग को हीट अप करने के बावजूद भी उसकी ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है ये ख़त्म नहीं होगी। उसके मुकाबले में अगर हम सल्फ़र को देखें, सल्फ़र को हीट अप किया जाए तो गो के इसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है या इसकी जो अपीयरेंस है वो हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो, लेकिन मौजूद रहेगी सल्फ़र उस मिक्सचर में। तो आयरन फिलिंग जो होंगी वो क्या होंगी, वो इस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगी। इस तरह हमें ये जनाब जैसा कि यहाँ हैंड ऑन एक्टिविटी की तरफ डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक्टिविटी में इसकी फोटोग्राफ को भी देखें कि आयरन फिलिंग जो है वो बार मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं ना कि सल्फ़र होती है। तो डियर स्टूडेंट ये बड़ी एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको हम बाहमी तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं लैब में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटी विदाउट परफॉर्म किए बगैर भी यहाँ हमने समझने की कोशिश की है और आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है एयर यानी हवा। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम हवा के बारे में पढ़ेंगे कि हवा जो है ये क्या है, हवा कंपाउंड है, हवा या मिक्सचर है। उसके बाद हवा में पाए जाने वाले जो अज्जा हैं, जो उसके कंपोनेंट हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनमें गैसेस और सॉलिड पार्टिकल्स हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, स्मोक हो गया, तो ये भी शामिल होते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो मेजर इसमें गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप तैयार रहिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।